Introduce yourself without your name. Sir, I belong from Balpur State, India. I have completed my graduation in physics honors. My optional is LSW. And my hobbies are doing yoga asanas and meditation. And right now, I am currently working in Bank of Baroda as business associate since 2015. When I was joined the banking industry, I joined with Dena Bank, which later got merged with Bank of Baroda in April 2019, sir. Graduation kab kiya aapne? Sir, graduation 2011 mein kiya. Honors kya tha? Honors, physics honors. Ye physics honors hone ke bawajood aapne LSW kyun liya? सर जैसा कि बताइए बैंकिंग इंडस्ट्री में सर बैंकिंग पब्लिक सर्विस यूटिलिटी में आता है सर LSW में अगर पढ़ते हैं तो जितना भी हमारा सर्कुलर है बैंक का वो लेबर लॉ को फॉलो करता है तो मुझे थोड़ा रुचि था और वो मेरे उसमें काम के साथ साथ मुझे वो सब चीज पढ़ना भी पड़ता था और जॉब के साथ साथ थोड़ा इसका सिलेबस छोटा है तो इस वजह से मैं सोची कि इसको ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपने क्या बताया है? सर भागलपुर। भागलपुर, अच्छा ये भागलपुर की आप पांच विशेषता बताइए। सर अगर एंशिएंट में जाएं तो फिर भागलपुर अंग की चंपा की राजधानी थी अंग, ठीक है। मेडिवल पीरियड में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो धर्मपाल बनाए थे वो भी एंशिएंट में कंसीडर हो जाएगा। मेडिवल में अकबर का सूबा था जो कि बंगाल का पार्ट था, भागलपुर उसी में आता था और औरंगजेब के भाई सूजा उनको वहां पे ही दफनाया गया भागलपुर में सर, सूजागंज भी है। और मॉडर्न में अगर बात करें तो फिर अभी स्मार्ट सिटी हो गया, डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी भागलपुर में ही है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय जो है जी सर, उसका एक अचीवमेंट अभी बहुत हाईलाइट रहा, बताइए। सर सबौर कृषि विद्यालय को अभी सर ध्यान में नहीं है, पूसा रिसर्च सबौर सर ध्यान में नहीं है अभी। सर विकास आप पूछें। कृषि रोड मैप के बारे में जानते हैं? हाँ सर, ये थर्ड कृषि रोड मैप अभी चल रहा है, 2017 से 2022 तक जाएगा। उसमें ऑर्गेनिक कॉरिडोर का भी जिक्र हुआ है जो कि भागलपुर में भी है, जो 12 सिटी सेलेक्ट हुए हैं गंगा नदी के किनारे, उसमें भागलपुर का भी नाम है सर। किसानों की आय दुगुनी करने के लिए कृषि रोड मैप में क्या प्रोविजन किया गया, नया ऐड किया गया? नया ऐड जैसे सर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में सुविधा दी जाएगी, सब्सिडी वगैरह मैकेनाइजेशन के लिए, उसमें वाहन वगैरह खरीदने के लिए उनको आफ्टर इरिगेशन के लिए सुविधा मुहैया कराई जाएगी सर। मार्केटिंग वगैरह में भी इनको प्रमोट किया जाएगा। सब्सिडी में WTO का गाइडलाइन क्या है? सब्सिडी में WTO का गाइडलाइन क्या है सर? वो भी ध्यान में। ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स ये सब जानती हैं? सर जानती हूँ लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। ओके सर आगे बढ़ा जाए। विकास जी। सर मैम आप योर मीडियम इज हिंदी और इंग्लिश, कौन सा मीडियम रखेंगे इंटरव्यू में? सर एग्जाम तो सर इंग्लिश मीडियम से दी लेकिन आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी और बायलिंगुअल सर। ओके ओके सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, अभी मर्जर ऑफ बैंकिंग को लेकर बहुत सारा इशू होता रहा है। आप जब बैंक में रही उस समय भी मर्जर हुआ, तो बैंक के मर्जर में क्या ड्रॉबैक आपको देखते हैं? सर बैंक के मर्जर में ड्रॉबैक ये है कि
जैसे स्टाफ लोग को बहुत सारा इश्यूज आ रहा है कि अपने राइट्स को लेके बहुत सारे इश्यूज स्टाफ हम लोग भी कुछ फेस कर रहे हैं। ये स्टेप तो बहुत अच्छा है लेकिन और कस्टमर हरासमेंट भी हो रहा है। कस्टमर को पहले जो ब्रांचेस फ्रेंडली थी अब एक ही ब्रांचेस को मर्ज किया जा रहा है तो बहुत सारे ब्रांचेस को बंद किया जा रहा है। तो कस्टमर को जो रूरल एरिया में जो कस्टमर है उनको बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो ये कस्टमर फ्रेंडली स्टेप एक नहीं बोल रहे हैं। ओके, देयर आर टू टर्म्स, वेव ऑफ लोन्स एंड राइट ऑफ लोन्स, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर, वेव ऑफ लोन्स तो ये पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर होता है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर आ रही है तो वो पॉलिटिकली अपना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने के लिए जनता को वो सारे लोन माफ कर देती है जो बैंक से लोन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वेव ऑफ। और राइट ऑफ का भी मुझे आइडिया नहीं है सर। ओके, एनपीए जानती हैं? एनपीए जी सर, जी सर। ओके, व्हाट इज 90 डेज से अबव, जब 90 डेज के अबव अगर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को पे नहीं किया जाता That is called NPA, और NPA तीन टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड एंड डाउटफुल। 90 डेज कब से? लोन सैंक्शन होने के डेट से? जी सर, लोन सैंक्शन होने के डेट से। ओके, फिजिक्स का डेली लाइफ में क्या यूज है? सर, फिजिक्स का डेली, फिजिक्स तो सर हर जगह यूज कर रहे हैं। डेली लाइफ में अब जैसे लाइट है, साउंड है, सारा कुछ सर फिजिक्स पे ही बेस्ड है। मोबाइल उपयोग कर रहा है, सारा कुछ फिजिक्स। ओके, इट्स ऑल बेस्ड ऑन फिजिक्स। ऑल बेस्ड ऑन। ओके, विमेन के लिए, स्पेशली विमेन के लिए, अभी वर्तमान में बिहार में कौन से सोशल सिक्योरिटीज एक्ट चल रहे हैं? सर, वुमेन के लिए एक्ट, सर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो कि बिहार गवर्नमेंट 1948 में लाई थी लेकिन उसमें कुछ लकुना थे तो आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको सुधार करके अभी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 चल रहा है सर। 1961 के बाद बहुत सारे 1961 के बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है? सर, 2017 में अमेंडमेंट हुआ है जिसमें 26 वीक का प्रोविजन आया है, 8 वीक प्रीनेटल एंड 18 वीक आफ्टर पोस्टनेटल सर। और इसमें क्रच की फैसिलिटी को भी आफ्टर अमेंडमेंट ऐड किया गया है, बोनस को इनहेंस किया गया है, ये सब मैटरनिटी बेनिफिट में। सो व्हाट क्वालिटीज डू यू फाइंड इन योरसेल्फ, आपको अपने आप में कौन से वो गुण दिखते हैं जिससे लगता है कि आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो? सर, मैं एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर बन सकती हूँ क्योंकि मैं डेली ये बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छे खासे क्राउड को, फर्स्ट लाइन जो होते हैं बैंक का हम लोग होते हैं सर, क्योंकि मैं एज ए क्लर्क हूँ। मैनेजर के पास आदमी बाद में जाते हैं, जो कस्टमर आते हैं वो पहले मेरे पास ही आते हैं। तो मैं एक बहुत बड़े क्राउड को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ, उस प्रेशर को हैंडल कर सकती हूँ। और मैं अपने जो बैंकिंग सेक्टर में अपनी जॉब प्रायोरिटीज जो है मेरे, उनका डेली टू डेली बेसिस पे, जो कि बैंकिंग सेक्टर में बोला जाता है कि टाइम मैनेजमेंट है, आपको टाइमली सारे कस्टमर को डील करना होता है, वो सारा मैं एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे तरीके से यूज कर पाऊंगी। जो भी प्रोविजन, जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है वो बैंक की। सर, फिजिक्स का तुम अभी जो देख रही है सामने में आसपास में, क्या क्या फिजिक्स नजर आ रहा है तुम्हें? सर, ये मोबाइल है, लैपटॉप है, फैन चल रहा है। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज करोगे फिजिक्स को? एज एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हारे जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, वो कैसे यूज होगा? सर, फिजिक्स को मैं एक एजुकेशनल हब के रूप में क्रिएट कर सकती हूँ बिहार में, एजुकेशनल हब के रूप में, कि बाहर के भी स्टूडेंट यहाँ के फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा टीचर और उसको प्रमोट करूंगी। एडमिनिस्ट्रेशन में सर, आपने फिजिक्स छोड़ करके एलएसडब्ल्यू लिया है और उसके बाद प्रमोट करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट
what is the uses of physics in administration? सर एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे अभी मोबाइल फ्रेंडली ऐप वगैरह है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये सारा को मैं कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ सर, ये सारा फिजिक्स के थ्रू हो जाएगा। ऐप वगैरह, सेमीकंडक्टर, एलईडी लाइट, जो अभी उज्ज्वला योजना जो है, ये सारा सर एलईडी लाइट, उज्ज्वला योजना हो गया, ये सारा सर फिजिक्स के थ्रू हो जाएगा सर। सो वेज और सैलरी में क्या अंतर है? फिजिकल लेबर एंड सैलरी इज फॉर मेंटल वर्क सर। नो सर सॉरी, सैलरी इज फॉर मंथली बेसिस, वेज इज फॉर फिजिकल बेसिस, जो कि पेड होगा आपको डेली के हिसाब से, वीक के हिसाब से या मंथ के हिसाब से भी वेज को दिया जा सकता है। वो फिजिकल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और सैलरी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, व्हाइट कलर जॉब में यूज होता है और वेज को ब्लू कलर जॉब में यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताएं आप कि जो कोरोना संकट के दौरान बिहार सरकार ने लेबर एक्ट में कुछ चेंज करा है, आप बता सकते हैं क्या चेंज करा? सर बिहार लेबर एक्ट में जो चेंजेस हुए वो ये है कि फैक्ट्री एक्ट के तहत सेक्शन 5, उसमें ये चेंजेस हुए हैं कि जो कि विथ पावर जो भी फैक्ट्री है उसमें पहले लेबर के रिक्वायरमेंट 10 थी, जिसको 20 कर दिया गया है, और विदाउट पावर जो फैक्ट्री होगी उसमें 40 कर दिया गया है 20 के जगह पे। दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर का, जो पहले मतलब लाइसेंस लेना होता था वो 20% वर्कर पे उनको लाइसेंस मुहैया कराया जाता था, जो कि अब 50 कर दिया गया है। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो पहले 100 वर्कर के रिगार्डिंग आपको, अगर आप किसी को फैक्ट्री से निकाल रहे हैं या फिर फैक्ट्री बंद करनी है, उसको बढ़ा के अब 300 डेज कर दिया गया है। और साथ में जो वर्किंग आवर है अभी 12 आवर कर दिया गया है, और 72 आवर्स इन ए वीक कर दिया गया है सर, और 1000 डेज के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अच्छा, आप बताएं अभी इंटरनेशनल रिलेशन में स्पेशली इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट बहुत जोरों पे है, है ना? तो उस संदर्भ में मुझे बताएं व्हाट इज कैरिस पॉलिसी? सॉरी सर, व्हाट इज कैरिस पॉलिसी? बंद गोभी की नीति सुना है? ये नहीं सर, कैबेज नहीं सुनी, फाइव फिंगर सुनी हूँ सर, इंडिया चाइना के रिलेशन में। ओके, इट्स ओके। व्हाट इज बफर जोन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? सर बफर जोन एलएसी वाले एरिया। डिफाइन बफर जोन, व्हाट इज बफर जोन? जहां पे सर दोनों देश की पेट्रोलिंग हो रही है उसको ही बफर जोन कहेंगे, दोनों की आर्मी जहां पे स्टैंड ऑफ की हुई है। चलिए मुझे बताएं व्हाट इज जॉनसन लाइन एंड व्हाट इज मैकडोनाल्ड लाइन? सर मैकडोनाल्ड लाइन एलएसी को कह रहे हैं, और इसका हिस्ट्री था जब ब्रिटिशर लोग जा रहे, हाँ 1962 में, सर अभी ध्यान नहीं है। मैकडोनाल्ड लाइन एलएसी वाले लाइन को कह रहे हैं, और अरुणाचल प्रदेश के साइड जो लाइन है वो जॉनसन लाइन है। नो, मैकमोन लाइन इज इन ईस्टर्न पार्ट एंड जॉनसन लाइन इन मैकडोनाल्ड लाइन और इन वेस्टर्न पार्ट जस्ट लद्दाख एरिया। सनसेट और सनराइज जिस समय होता है तो सूरज लाल कलर का दिखता है, किस कारण से? सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर का, कुछ एग्जांपल दीजिए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सर डायोड सर फिजिक्स तैयार नहीं। सेमीकंडक्टर होता है क्या सर? अभी नहीं किया। अच्छा, एक चीज बताएं, बैंकिंग सेक्टर का इस कोरोना संकट से निपटने में अहम भूमिका रही है, आप 3 पॉइंट को आप बताएं कि क्या क्या
बैंकिंग सेक्टर के द्वारा किया गया? सर, बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले तो लोन मॉरेटोरियम पीरियड को इंक्रीज किया गया है कि जो भी बिजनेसमैन है वो लोग को लॉकडाउन में जो बिजनेस वगैरह रुक गई है तो उसके वजह से उनको थोड़ा टाइम पीरियड का गैप मिल जाए कि वो अपना, और अभी जो है लोन रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस के भी कामनाथ कमेटी के जरिए किया गया है कि उसमें भी जो फ्रेश लोन सैंक्शन होंगे उसमें भी बैंक अपना वो मॉरेटोरियम पीरियड को अपने हैंड पर वो इंक्रीज कर सकता है, और जो कि आगे रिकवरी ना, ये एनपीए ना हो जाए उसके रिगार्डिंग पुराने लोन को अभी देखा जाएगा लोन रीस्ट्रक्चरिंग में। और जो 75% पहले लोन का ये था कि लोन गोल्ड लोन मिलता था उसको 90% अभी कर दिया गया है। और जो लॉकडाउन के दौरान जो 500 रुपीज जनधन अकाउंट में आए हैं वो सारे लोग को दिया गया है, अभी सब वुमेन अकाउंट में आए हैं जनधन में। छत्रसाल जी पूछे आप, अभी यूएई और इजराइल के बीच कुछ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, बताइएगा कुछ। हाँ सर, यूएई और इजराइल के मतलब इजराइल को यूएई एज ए कंट्री कंसीडर किया है जो कि थर्ड मतलब कंट्री है मिडिल ईस्ट में जो इजराइल को एज ए कंट्री का दर्जा दिया है, और इसमें यूएसए का बहुत बड़ा रोल है इसको करवाने के लिए, एज ए कंट्री का उनको मेन स्टेटस का दर्जा दिया गया। मेरा मकसद है इंडिया के पर्सपेक्टिव में बताइए, इंडिया को क्या उससे फायदा या घाटा हुआ? तो इंडिया को फायदा और नुकसान तो नहीं, एक इंडिया का ये है कि अभी जैसे इंडिया यूएसए प्रो इंडिया है अभी सर, तो इंडिया को इस जो हुआ है मतलब इसराइल और यूए के बीच में डील उसको इंडिया ने अच्छा स्टेप माना है। और दूसरा जो अभी पाकिस्तान ईरान और तुर्की का जो वहां पे ग्रुप बन रहा है उसको रोकने के लिए इंडिया ने इसको प्रमोट किया है कि ये ग्रुप ना बने, और इंडिया डीहाइफिनेटेड पॉलिसीज जो है कि वो दोनों साइड को देखेगी, इसराइल का जहां पे मुद्दा होगा वो इसराइल को कंसीडर करेगी, जहां पे फलस्तीन का मुद्दा होगा वहां पे फलस्तीन को कंसीडर करेगी, इंडिया का यही स्टैंड है सर अभी। अगर हम बोलें फलस्तीन एक इस्लामिक कंट्री है और इंडिया का रिलेशन फलस्तीन और इजराइल दोनों से बैलेंस्ड है, पहले फलस्तीन से ही अच्छा था और 1992 से इजराइल से स्टार्ट किया गया और अभी हमको लगता है गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो उस स्थिति में जो अरब कंट्री है उसका लेकिन इंक्लिनेशन एज इस्लामिक कंट्री जो सिंपैथी है वो फलस्तीन के साथ है, तो हमारा कहीं ना कहीं एक बैलेंस बिगड़ता हुआ दिख रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं सर, बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया इसके सपोर्ट में है, सऊदी अरेबिया सपोर्ट में है। जो मेन इशू हुआ है वो ईरान तुर्की और पाकिस्तान को हुआ है क्योंकि सऊदी अरेबिया भी इसके सपोर्ट में है, और यूएसए अभी जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये हो रहा है कि चाइना सब जगह इन्वॉल्व हो रहा है, तो यूएसए को वहां पे मिडिल ईस्ट में एक बैलेंस बना के देखना है, तो यूएई वो उनको मेजर वो दिखा कंट्री जो कि इसको प्रमोट कर रहा है। यूएई के लिए सबसे बड़ा ये है कि वो अभी ईरान को छोड़ के अपना व्यापार पे वे लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो लॉकडाउन की स्थिति सिर्फ इंडिया में नहीं है, कोरोना वाली स्थिति वो हर जगह है, तो यूएई अपना व्यापार देखने के कारण इसराइल को ज्यादा वो प्रमोट किया गया है सर, और इंडिया को इसका सपोर्ट। चलिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच सरक्रिक विवाद क्या है? सर, सरक्रिक विवाद सर गुजरात में इशू है जो स्वैम्प एरिया है उसमें जो बीच से जो स्वैम्प में लाइन क्रॉस करती है वो टर्म है वो मुझे याद नहीं आ रहा, उसी पर वो स्वैम्प एरिया को ही लेकर विवाद है सरक्रिक वाला। इंडिया बोलता है कि वो स्वैम्प एरिया इंडिया के में है और पाकिस्तान बोलता है वो उसमें, और अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो जूनागढ़ को भी अपने साइट में वो मैप में अपना दिखाया है सर। जूनागढ़ दिखाने का मतलब हुआ सरक्रिक पूरा उसका है? हाँ, सरक्रिक पूरा उसका है वो मैप में, इस वजह से वो अभी मैप को लेकर बहुत सारे
सब देश से अभी नेबरिंग कंट्री से चल रहा है, तो इसी रिगार्डिंग पाकिस्तान भी वो मैप जारी किया है जो कि पहली बार हुआ है, और वो सरक्रीक वाला और जूनागढ़ का पूरा एरिया वो मैप के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में दिख रहा है। चाहिए आपका अंतिम प्रश्न होगा, नेपाल ने अपने मैप में बिहार का एक जगह भी दिखाया है, वो कौन सा जगह ये बता? सुस्ता प्रोविंस है सर उसका। क्या रीजन है उसने दिखाने का, क्या रीजन? वो अभी ध्यान में नहीं है सर। ओके ओके थैंक यू सर। ठीक नेक्स्ट को ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। फीडबैक कल दिया जाएगा आपको, 3 to 4:30 के बीच में फीडबैक दिया जाएगा हर एक को।